खबर रीवा से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज के पदाधिकारियों ने जनाधिकार पंचायती राज संघ का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्यक्रम रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक में आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। संगठन में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्षों की मांगों को लेकर 12 बिंदुओं का मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर जनपद अध्यक्ष गगेव ने कहा कि अगर सरकार उनकी 12 सूत्री मांगों को मान लेती है तो उन्हें कार्य करने में सहूलियत होगी। वहीं गिरीश गौतम ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलवाकर पदाधिकारियों की समस्याओं को हल करवाने की बात कही है। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं उक्त मामले में जनपद अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को क्या कहा है। का अनुमोदन का अधिकार जनपद पंचायत के अध्यक्षों को दिया जाए। जनपद पंचायत क्षेत्र में आर्थिक सहायता अंतिम जो पाया है ग्राम पंचायत का वार्ड पार्षद, उससे लेकर के पंचायती राज के महल के गगन चुंबी महल के स्तर पर बैठा हुआ हमारा जिला पंचायत का सदस्य यहाँ सब बैठे हुए, उनका ये सम्मेलन है। इसको सम्मेलन का इसलिए कह सकते हैं कि मांगों की पूर्ति के लिए सम्मेलन। इस अवसर पर मैं भाई भी चर्चा की है, हम चुन करके आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी दो तीन तरह की, एक स्व के लिए है, ये है, एक जनता के लिए। हमारा मानदेय चाहिए, हमको चक्रवृद्धि भत्ता चाहिए, हमको लिखित चाहिए, ये सब हमारे स्व के लिए हो गया। मतलब हम जनप्रतिनिधि बन करके काम करेंगे, 24 घंटा काम करेंगे तो स्वाभाविक है वो व्यवस्था बननी चाहिए। हमारा दूसरा योगदान ये होना चाहिए कि पंचायत के विकास में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी, क्योंकि मैं उसमें भी कई बार भागीदारी किया था, मैंने देखा था उसको बतौर विधायक, बड़ा भारी पंचायती राज एक सम्मेलन न होकर के एक आंदोलन बना था पूरे प्रदेश में, और लाल जी वगैरह तो बड़े अगुआ थे उसके, और तमाम पूरे प्रदेश के स्तर पर इतना जोर से आंदोलन चला था कि वाकई में दिखाई पड़ा कि कोई पंचायत राज व्यवस्था होती है। और वो ज्यादा दिन चला नहीं, उस पंचायत राज आंदोलन का हर्ष ठीक नहीं निकला, और उसी के कारण जो हमको मिलना चाहिए ना शायद नहीं मिला। सिर्फ कारण ये वो पूरा आंदोलन ही तितर बितर हो गया, कई गुटों में चला गया। जब सबकी मांग एक है तो गुट में बनाने की आवश्यकता क्या है। हम जब एक चीज चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ जाए, हमारा अधिकार बढ़ जाए, हमारी सीमा बढ़ जाए, हमको पंचायत के विकास का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो हमारी बढ़ जाए, इन सारी चीजों को होने में जब सबकी मांग एक है तो फिर अलग अलग होने की आवश्यकता मेरी समस्या नहीं होना चाहिए। पर वो अलग अलग क्यों हुए? अलग अलग इसलिए हुए कि उसमें भी थोड़ा सा व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा लगा लोगों को कि प्रदेश का नेता मैं हो जाऊं, किसी को लगा मैं हो जाऊं, किसी को लगा मैं हो जाऊं, और जहां मैं सब का प्रवेश किया वही आंदोलन ये समझ लो कि भट्टा बैठ गया उस आंदोलन। क्योंकि जब तक हम रहेंगे कि हम पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं, हम उसके पाए, जब तक हम भाव से कोई चीज करेंगे तो चलेगा, जब मैं भाव से करूंगा तो नहीं चलेगा। पंचायत के भीतर सरकारों ने कई बार बहुत सारे अधिकार दिए, और उन अधिकारों का जब संचालन हुआ पंचायत के माध्यम से तो कई बार किन्हीं कारणों से, उसमें कारण मैं नहीं गिनाना चाहता, कई कारणों से ऐसा लगा कि जिसके लिए हमने अधिकार दिया शायद उस अधिकार के प्रयोग से पीड़ित हो गए। आप सबको याद होंगे इसमें कई पुराने सरपंच होंगे, मध्य प्रदेश सरकार इसलिए सरकार को वापस करना पड़ा। हमारे को अधिकार मिला हुआ है वारिसाना नामांतरण के लिए, उनको वारिस का प्रमाण पत्र देने, और मैं कई बार देखता हूं, मैं कई बार तो सरपंचों कहते हुए जेल जाने के लिए क्यों तैयार हो, ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर देंगे जिसमें उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। कई बार इस तरह
तो वो जो अधिकार हमको मिला है, इसीलिए मैं कई बार हंसते हुए कहता उसको अंदर थमक लेना। हमने कहा कि जन्म मृत्यु, जैसे कोई कहते हैं कि हम सरपंच से प्रमाण पत्र बनवा के लाए जन्म का, तो हमने कहा हमको बता दो, हम किसी सरपंच साहब को बुला करके 100 साल वाले का 2 साल लिखवा देते हैं और 200 साल वाले का 150 साल लिखवा देते हैं, 2 वाले को 150 लिखवा देते हैं। हमारे अधिकारों को पहचानना, उसका मिसयूज नहीं होने पाए, ये भी हमको देखने की आवश्यकता है। हमारी मांगे हैं, हमको मिलना चाहिए, उसमें कोई ये करने की आवश्यकता, और ये हम ही कर सकते हैं, दूसरा थोड़ी करने आए, हमको करना होगा। आज हमारे सामने समस्याएं क्या है, क्या है, हमारे बहुत सारे सरपंच ठीक से पढ़े नहीं है और उनके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार आते हैं, पैसा निकल गया, उनके पास कुछ नहीं है, और मैं मंगलवार से जब विधायक हुआ तो उदाहरण ही दे देता हूँ, शायद सरपंच हो गया उसका। आज हम सब ने एक संगठन का गठन किया है जिसका नाम जना अधिकार पंचायत राज संगठन है, जिसके संबंध में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की जो मांगे हैं वो लगभग 12-12 बिंदुओं में हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी को सौंपी है और यह कहा है कि ये मांगे अगर सरकार हमारी मान ले तो हम सबको काम करने में, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहूलियत होगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में हम सबको आश्वासन दिया है और कहा है कि 20 तारीख को आप सबको मुख्यमंत्री से मिलवा कर और आपकी मध्यस्थता कर आपकी मांग पूरी कराने का मैं प्रयास करूंगा। कहां कहां से लोग आए हैं? इसमें डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सभी जगह से और रीवा ज़िले के अन्य पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी साथी आए हुए हैं, हजारों की संख्या में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं, और अभी इसके बाद कार्यक्रम चलना है और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा।